सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रैंक 2 के बारे में, जिसका पूरा नाम है क्रैंक हाई वोल्टेज। अब तक हमने देखा था कि वेरोना ने शिलियोस को एक जहर दे दिया था और उस जहर ने शिलियोस के सीधा दिल पे वार किया था, इसीलिए शिलियोस मरने लगा था। लेकिन अंत में उसने वेरोना को मारा और उसके साथ साथ अपने बॉस को भी मार दिया, लेकिन उन्हें मारने के बाद वो भी आसमान से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शिलियोस आसमान से गिरा है और वो जमीन पे ऐसे ही पड़ा है। तभी यहाँ पे आकर के एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं और वो शिलियोस को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जल्दी शिलियोस को देखते हैं एक ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे कुछ डॉक्टर शिलियोस की हार्ट सर्जरी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक गुंडा अंदर आता है जिसका नाम है जॉनी वैंग, और हमें पता लगता है कि आदमी ऑर्गन्स की तस्करी करता है, जैसे कि किडनी, लीवर और हार्ट। और अब देखते ही देखते डॉक्टर शिलियोस का हार्ट निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा देते हैं, ताकि शिलियोस थोड़े दिन और जिंदा रहे और ये लोग इसके शरीर के बाकी ऑर्गन्स भी निकाल लें। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और शिलियोस की थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक होने लगती है। तभी शिलियोस देखता है कि इस कमरे में दो डॉक्टर आ रहे हैं और अब ये दोनों डॉक्टर आकर के यहाँ बात करने लगते हैं कि वो अगला ऑर्गन कौन सा निकालने वाले हैं। और थोड़ी देर बात करने के बाद वो निश्चय करते हैं कि वो शिलियोस का लिंग निकाल लेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद शिलियोस गुस्सा हो जाता है और वो इन दोनों डॉक्टर्स को पीट करके बेहोश कर देता है। तभी शिलियोस देखता है कि उसके कमर से एक बैटरी बंधी हुई है और वो समझ जाता है कि जो हार्ट अभी उसे लगाया गया है वो बैटरी से चलती है, इसीलिए अब शिलियोस यहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन बाहर जॉनी वैंग के बहुत सारे गुंडे हैं, इसीलिए वो शिलियोस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन शिलियोस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए वो एक एक करके इन सारे लोगों को मारने लगता है और वो जल्दी ही सबको मार देता है। और बस इसके सामने एक आखिरी आदमी बचा होता है, इसीलिए शिलियोस उससे पूछता है कि बता वो आदमी कौन है जिसने मेरे हार्ट को चुराया है और अभी वो मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन ये आदमी कुछ भी नहीं बताता। तब शिलियोस को गुस्सा आता है और वो इस आदमी के पिछवाड़े में बंदूक डाल देता है, वो भी सीमेंट के साथ। तब वो आदमी बताता है कि जिसने तुम्हारे हार्ट को चुराया है उस आदमी का नाम है जॉनी वैंग और अभी वो साइप्रस सोशल क्लब में मिलेगा। इसीलिए अब शिलियोस यहाँ से निकल पड़ता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी ईव को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसका नंबर अब बंद हो चुका है। इसीलिए अब शिलियोस एक गाड़ी में बैठता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। तभी उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और शिलियोस उस बैटरी को देखता है, इसमें लाल बत्ती जल रही होती है और वो समझ जाता है कि उसकी बैटरी लो हो रही है, इसीलिए वो सीधा इस बैटरी को गाड़ी से कनेक्ट कर देता है और उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। और शिलियोस बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। तभी वो डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को पूरी बात बताता है और डॉक्टर इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है कि शिलियोस अभी भी जिंदा है। और शिलियोस की सारी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो हार्ट लगा है वो एक आर्टिफिशियल हार्ट है और ये हार्ट मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक चल सकता है, इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने हार्ट को ढूंढना पड़ेगा और अगर तुमने अपने हार्ट को ढूंढ लिया तब मैं उसे वापस तुम्हारे अंदर लगा सकता हूँ। और उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी कहता है कि तुम्हें अपने हार्ट को रेगुलर चार्ज रखना पड़ेगा और तुम्हारे कमर के पास जो बैटरी लगी है वो एक एक्सटर्नल बैटरी है, लेकिन तुम्हारे हार्ट के अंदर एक इंटरनल बैटरी भी है, तो अगर इस बैटरी को कुछ भी होता है तब तुम्हें अपने आप को डायरेक्ट चार्ज करना पड़ेगा और तुम्हें अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे। और शिलियोस इन सारी बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच उसे एक आदमी नजर आता है और वो आदमी शिलियोस से बातें करने लगता है और शिलियोस भी उससे बातें करता है। तभी शिलियोस की गाड़ी जाकर के टकरा जाती है और शिलियोस अपनी गाड़ी से जाकर के थोड़ी दूरी पे गिरता है और वो देखता है कि उसके कमर पे जो एक्सटर्नल बैटरी लगी थी वो टूट चुकी है और शिलियोस की तबीयत भी खराब हो रही है, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसे अब अपने आप को डायरेक्ट चार्ज करना पड़ेगा। फिर वो एक आदमी को कहता है कि तुम अपनी गाड़ी के बैटरी से मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक दो और वो आदमी भी मान जाता है। इसीलिए वो आदमी अब एक वायर निकालता है जिसे अपनी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट कर देता है और शिलियोस को ला करके 2 चिमटे देता है, जिनमें से 1 चिमटे को शिलियोस अपनी छाती से लगाता है और दूसरे को अपने जीभ से। तभी वो आदमी जोर का झटका देता है और शिलियोस की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है और शिलियोस यहाँ पे घोड़े की तरह दौड़ने लगता है और वो जल्दी ही पहुंचता है साइप्रस सोशल क्लब और वो सारे लोगों को वहाँ पे दौड़ा दौड़ा करके मारने लगता है। लेकिन इसी बीच जॉनी वैंग यहाँ से भाग जाता है और शिलियोस बाहर निकलता है। तभी शिलियोस की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है रिया और रिया अब शिलियोस पे फिदा हो जाती है, इसीलिए शिलियोस उससे पूछता है कि बताओ जॉनी वैंग कहाँ पे मिलेगा और रिया उसे बता देती है। तभी हमारे सामने एक और क्लब का दृश्य आता है जहाँ पे हम जॉनी वैंग को देखते हैं और जॉनी वैंग को यहाँ पे एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है और इस आदमी का नाम है चीको और चीको जॉनी वैंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि शिलियोस कहाँ पे है। लेकिन जॉनी वैंग कहता है कि शिलियोस ट्रायड गैंग की संपत्ति है और सिर्फ उसे ट्रायड गैंग ही मारेगा, लेकिन चीको इसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। तब जॉनी वैंग शिलियोस के बारे में सारी चीजें बता देता है। तभी इस क्लब के अंदर शिलियोस दाखिल होता है और वो जैसे ही अंदर आता है वो यहाँ पे देखता है ईव को जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है और इस चीज को देखने के बाद शिलियोस परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो क्योंकि पिछले 3 महीने से तुम्हारी कोई भी खबर नहीं आई और सबने तुम्हें आसमान से गिरते हुए देखा था, इसीलिए मैं स्ट्रिपर का काम करने लगी। लेकिन अब शिलियोस ईव को सारी बातें बताने लगता है। तभी यहाँ पे रिया आ जाती है और वो ईव से लड़ने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, और इन दोनों की बातें ऐसे ही चल रही होती है। तभी यहाँ पे आता है चीको और चीको को देखते ही शिलियोस उस पर बंदूक तान देता है।
तब चीको कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ करके किसी के पास लेकर के जाना चाहता हूँ, इसीलिए अभी के अभी मेरे साथ चलो। लेकिन शिलियोस इनकी बात नहीं मानता और वो इन पे गोलियां चलाने लगता है। और अब यहाँ पे बहुत देर तक गोलीबारी होती रहती है और शिलियोस बहुत सारे लोगों को मारता है। लेकिन अंत में वो चीको के एक आदमी को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये लोग मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। तब वो आदमी बताता है कि चीको तुम्हें नहीं पकड़ना चाहता, लेकिन एलेरॉन ने चीको को कहा है कि वो तुम्हें पकड़ करके लाए, इसीलिए सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं और एलेरॉन तुम्हें मारना चाहता है। और जब शिलियोस पूछता है कि आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है, तब ये आदमी कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं। और इस बात को सुनते ही शिलियोस इस आदमी को गोली मारता है और वो ईव के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो शिलियोस को मारने लगते हैं और शिलियोस की तबीयत एक बार फिर से खराब होने लगती है। लेकिन जैसे ही ये पुलिस वाले उसे टेजर देते हैं, एक बार फिर से वो चार्ज हो जाता है और वो सारे पुलिस वालों को पीटने लगता है। और इन्हें पीटने के बाद वो पुलिस वालों की गाड़ी लेता है और उसमें ईव को बैठा करके लेकर के जाने लगता है। लेकिन इस गाड़ी में पहले से एक लड़की होती है और अब वो भी इनके साथ जा रही होती है। और यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद शिलियोस कहता है कि उसे डॉक्टर से बात करनी है। तब ईव उसे अपना फोन देती है और शिलियोस डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बताता है। तब डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हारी एक्सटर्नल बैटरी टूट चुकी है, तब तुम्हारी इंटरनल बैटरी सिर्फ 60 मिनट तक चल सकती है, इसीलिए तुम्हें 60 मिनट से पहले अपने आप को हर बार चार्ज करना पड़ेगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। और अगर जिंदा रहना है तो जल्दी से अपने हार्ट को ढूंढो। और शिलियोस एक बार फिर से काम पे लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही आगे जाता है, देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हैं, इसीलिए उसकी गाड़ी स्लो हो जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और शिलियोस गाड़ी से निकल करके भागने लगता है। और वो जैसे ही एक पार्क में पहुंचता है, वो देखता है कि यहाँ पे एक डॉग ट्रेनर है जो कि कुत्तों को शौक दे रहा है। और इस चीज को देखने के बाद शिलियोस वहाँ पहुंच जाता है और वो कुत्ते के पट्टे को अपने गले में लगा लेता है और उसी से अपने आप को शौक देने लगता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाए। और अपने आप को थोड़ा शौक देने के बाद शिलियोस यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले अभी भी उसके पीछे लगे हैं। लेकिन जैसे ही शिलियोस यहाँ से थोड़ी दूरी पे जाता है, उसे अपने पास एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखता है। और जैसे ही शिलियोस इस आदमी को देखता है, उसे लगता है कि ये काइलो है, इसीलिए उसकी बाइक पे बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो आदमी अपनी बाइक को रोकता है, तब वो बताता है कि वो काइलो नहीं बल्कि उसका भाई है जिसका नाम है वेनस, और अब वो कैसे भी अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो पूछता है कि बताओ मेरे भाई को किसने मारा। तब शिलियोस कहता है कि तुम एलहुरॉन को ढूंढो, क्योंकि उसी ने शायद तुम्हारे भाई को मारा है। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है और कहता है कि मैं जॉनी वैंग को ढूंढने जा रहा हूँ। तब वेनस उसे बताता है कि जॉनी वैंग तुम्हें वहीं पे मिलेगा जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है, इसीलिए अब शिलियोस वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से शिलियोस की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो फिर से डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी साधन नहीं होता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि एक और तरीके से तुम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो और वो है फ्रिक्शन, और उसके लिए तुम्हें अपने शरीर को किसी इंसानी शरीर में रगड़ना पड़ेगा। और शिलियोस कहता है कि ठीक है। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उसके हाथों में अपने हाथों को रगड़ने लगता है। तब वो आदमी गुस्सा हो जाता है और शिलियोस यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब वो एक बूढ़ी महिला के पास जाता है और उसके पूरे शरीर में अपने शरीर को रगड़ने लगता है, और सबको देख करके ऐसा लगता है कि ये आदमी ठरकी है। तभी यहाँ पे ईव आ जाती है और वो शिलियोस को बाकी लोगों से छुड़ा लेती है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यहाँ पे पीटने वाले होते हैं। लेकिन अब शिलियोस ईव के करीब आने लगता है ताकि वो इससे इंटीमेट हो सके, क्योंकि इंटीमेट होने से भी वो अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता है। और अब ये दोनों एक बार फिर से सरेआम इंटीमेट होने लगते हैं, वो भी हजारों लोगों के सामने, और ये लोग खुले फील्ड में इंटीमेट हो रहे होते हैं जहाँ पे घोड़ों की रेस हो रही होती है और सारे लोग इसका तमाशा देख रहे होते हैं। और ये चीज शिलियोस के लिए काम भी कर रही होती है क्योंकि अब उसकी बैटरी चार्ज हो रही होती है। तभी इसी बीच शिलियोस की नजर पड़ती है जॉनी वैंग पे, जो कि यहीं पे होता है, इसीलिए अब शिलियोस उसके पीछे भागने लगता है। जॉनी वैंग भागता जाता है और उसका पीछा करते जाता है, और बहुत देर तक शिलियोस उसके पीछे भागता है, लेकिन अंत में जॉनी वैंग यहाँ से भाग जाता है। तभी शिलियोस को फिर से वेनस मिलता है और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले इनको पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी इनके सामने आकर के एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है और ये गाड़ी होती है डॉन किम की, इसीलिए अब ये दोनों उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी वेनस को दौरा पड़ने लगता है, इसीलिए डॉन किम के लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। और अब शिलियोस किम से बात करता है और कहता है कि मुझे अपने हार्ट को ढूंढना है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब किम बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा हार्ट किसके पास है। तुम्हारा हार्ट एक 100 साल के बुजुर्ग आदमी के पास है जिसका नाम है पुन डोंग, और डोंग ही वो शख्स है जिसने इस सारे धंधे को शुरू किया था, जिस धंधे को आज हम चला रहे हैं। और उसे बहुत दिनों से हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उसे हार्ट देने के लिए दुनिया के बहुत सारे लोग तैयार थे, लेकिन उसे सिर्फ तुम्हारा हार्ट चाहिए था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि तुम मौत के मुंह से कितनी बार बच चुके हो और तुम कितने बहादुर हो, इसीलिए अभी पुन डोंग के पास तुम्हारा हार्ट है। और इस बात को सुनने के बाद शिलियोस कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब किम कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते,
क्योंकि अब मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा पुंडोंग के पास और फिर वो मुझे बहुत सारे इनाम देंगे। और इस बात को सुनने के बाद शिलियोस गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे पुंडोंग और उसके सारे आदमियों को मार देता है। तभी एक बार फिर से उसका हार्ट डिस्चार्ज होने लगता है, इसीलिए अब शिलियोस पहुंचता है एक ट्रांसफार्मर के पास और उसके हाई वोल्टेज वाले करंट को छू लेता है, जिससे उसकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। इसीलिए वो एक बार फिर से घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। तभी हम इलहरॉन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो चीको को कहता है कि मुझे अभी के अभी शिलियोस चाहिए और तुमने अभी तक इस काम को नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। और चीको को सजा होती है कि वो अपने दोनों निपल्स काटेगा। और अब चीको अपने दोनों निपल्स को काटता है और यहाँ से चला जाता है। तभी हम काइलो को देखते हैं जो अपने साथियों को कॉल करता है और कहता है कि उसे इलहरॉन को ढूंढना है, इसीलिए उन लोगों की मदद चाहिए। तभी हम फिर से शिलियोस को देखते हैं जो कि गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन एक बार फिर से उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। तभी शिलियोस की नजर पड़ती है एक एम्बुलेंस पे, इसीलिए वो उस एम्बुलेंस के अंदर घुस जाता है और वहाँ के एक कंपाउंडर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी वो वाली एक्सटर्नल बैटरी चाहिए जिससे हम आर्टिफिशियल हार्ट को चार्ज कर सकते हैं, क्या वैसी बैटरी तुम्हारे पास है? और ये कंपाउंडर कहता है कि हाँ। इसीलिए अब शिलियोस एक बार फिर से अपने पास एक एक्सटर्नल बैटरी लगवा लेता है और वो जैसे ही बैटरी लगाता है उसकी नजर पड़ती है जॉनी वैंग पे, इसीलिए अब शिलियोस एक बार फिर से जॉनी वैंग का पीछा करने लगता है। जॉनी यहाँ से भागता जाता है और शिलियोस उसका पीछा करते जाता है और जल्दी ही शिलियोस उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और जॉनी वैंग के हाथ में हमेशा ही एक लाल डब्बा होता है, इसीलिए शिलियोस को लगता है कि उसका हार्ट कहीं इसी के अंदर है। इसीलिए वो जॉनी को कहता है कि वो इस डब्बे को खोले, लेकिन जॉनी इस डब्बे को खोलने से मना कर देता है। फिर शिलियोस उसे फिर से पीटता है और अंत में जॉनी इस डब्बे को खोल देता है, लेकिन इस डब्बे के अंदर उसका दिल नहीं होता। इसीलिए अब शिलियोस डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा हार्ट अभी पुंडोंग के शरीर के अंदर है। और जैसे ही डॉक्टर इस आदमी का नाम सुनता है, कहता है कि अगर उसके पास तुम्हारा हार्ट है तो तुम्हें तुम्हारा हार्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं किसी को जानता हूँ। तब शिलियोस कहता है कि ठीक है, तुम कोशिश करते रहो, मैं अपने तरीके से पुंडोंग को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहने के बाद शिलियोस जैसे ही पहुंचता है वैंग के पास ताकि वो इलहरॉन के बारे में पता कर सके, तभी यहाँ पे चीको आ जाता है और वो जॉनी वैंग को मार देता है और शिलियोस को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी हम पुंडोंग को देखते हैं जिसके पास एक काली लड़की आती है और उसे अपनी बातों में रिझाने लगती है, क्योंकि ये लड़की डॉक्टर के लिए काम करती है। और अब जल्दी ही चीको शिलियोस को लेकर के पहुंचता है इलहरॉन के पास और इलहरॉन यहाँ पे शिलियोस को बताता है कि आखिर वो उसे क्यों मारना चाहता है। इलहरॉन पहले तीन भाई था, लेकिन शिलियोस ने उसके दोनों भाइयों को मार दिया, क्योंकि इलहरॉन के भाई का नाम है विकी वेरोना और शिलियोस ने विकी वेरोना को मारा और उसके साथ साथ इनके तीसरे भाई को भी मारा। लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि विकी वेरोना का कोई और भी भाई है। इसीलिए अभी इलहरॉन कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। और इतना कहने के बाद वो लेकर के जाता है शिलियोस को एक जगह पे, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इलहरॉन ने विकी वेरोना के दिमाग को अभी तक जिंदा रखा है, वो भी एक मशीन की मदद से, ताकि वो शिलियोस को उसके सामने मार सके। इसीलिए अब इलहरॉन एक चाबुक निकालता है और वो शिलियोस को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगता है और शिलियोस की चमड़ी उधेड़ने के बाद वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे वेनस आ जाता है अपने सारे लोगों के साथ और देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। तभी हम पुंडोंग को देखते हैं उस काली लड़की के साथ और अब वो लड़की पुंडोंग को लेकर के पहुंचती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर इसको बेहोश करने का काम शुरू कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं इलहरॉन को और अब यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और शिलियोस भी बहुत सारे लोगों को मारता है और जल्दी वो पहुंचता है विकी वेरोना के बचे हुए दिमाग के पास और वो उसे भी बेरहमी के साथ मार देता है। लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और इसी बीच शिलियोस की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी शिलियोस देखता है यहाँ पे एक पोल को और इस पोल के ऊपर बिजली की नंगी तारे हैं, इसीलिए शिलियोस अब पोल के ऊपर चढ़ने लगता है और वो हाई वोल्टेज वाले तारों को छू देता है। इसीलिए अब शिलियोस के पूरे शरीर में आग लगने लगता है और उसके साथ साथ उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। इसीलिए वो बड़ी ही बेरहमी के साथ इलहरॉन को मारता है। तभी यहाँ पे रिया आ जाती है और वो शिलियोस के करीब आना चाहती है और रिया को देखने के बाद शिलियोस को ऐसा लगता है कि वो ईव है, इसीलिए शिलियोस उसे किस करने लगता है। तभी रिया के भी पूरे शरीर में आग लग जाती है और इसी के साथ यहाँ पे शिलियोस के सारे दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन शिलियोस के शरीर का आग बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए उसका पूरा शरीर जलने लगा है। लेकिन इसी के साथ शिलियोस अब सारे लोगों को अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद हम शिलियोस को देखते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर अब शिलियोस के शरीर में उसका हार्ट फिर से लगा देता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी सबको लगता है कि शिलियोस मर चुका है। इसीलिए डॉक्टर यहाँ से ईव को लेकर के जाने लगता है और सब ऑपरेशन थिएटर को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मर चुका है शिलियोस। तभी शिलियोस की आंख खुलती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ क्रैंक सीरीज खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।